नमस्कार, एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पारा शिक्षक आकलन अब होने वाला है, आप लोग जान रहे हैं, तो आप लोगों को भी पारा शिक्षक आकलन की तैयारी में लग जाना है। पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करने के लिए आप लोग जान रहे हैं कि इसमें क्लास 5 से लेकर 8, 9 या 10 तक का ही प्रश्न रहेगा। अधिकांश प्रश्न क्लास 5 से 8 तक का रहेगा। ये आपका जो सरकारी बुक है स्कूल का, सरकारी स्कूल वाला, उसी के आधार पर अधिकांश प्रश्न रहेंगे। तो आपको अब उसी से तैयारी करना है, तैयारी करने आप लोग शुरू कर दीजिए। यदि पारा शिक्षक आकलन नहीं भी होता है तो ये आपका जेटेट में काम देगा। यदि देरी होती है पारा शिक्षक आकलन में और पहले जेटेट होती है तो जेटेट के लिए तो ये काम ही देगा। तो दोस्तों, यदि आप घर बैठे पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए हुआ क्या कि आप लोग जेटेट एग्जाम बार बार दिए और फेल कर गए। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कड़ा शब्द कि थोड़ा सा चुभे आपको। फेल करने का कारण क्या हुआ कि आपने पहले सोचते आए नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे। आपने यही किया भी, जिसके चलते सफलता आपको नहीं मिल पाई। तो वही गलती अब इस बार भी नहीं करिए। अब पहले से तैयारी करिए, नोटिफिकेशन आने के पहले ही तैयारी में लग जाइए ताकि वो गलती फिर से नहीं दोहराया जा सके। अभी समय है, आप लोग तैयारी में लगिए। आप लोग अब घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, केवल मोबाइल से, ऑनलाइन क्लास के द्वारा। ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम लोग प्रत्येक दिन लाइव क्लास देंगे। टॉपिक जब खत्म हो जाए, मान लीजिए एक चैप्टर हम स्टार्ट किए, वो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट देंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आप सही सही करके आएंगे। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आते हैं। मैराथन क्लास मतलब क्या हुआ कि कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर पाना, अधिक से अधिक रिवीजन कर पाना। मान लीजिए एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया तो पूरा का पूरा शुरू, जितना शुरू से आप पढ़े थे उतना सब कुछ पढ़ पाना मुश्किल है। तो हम लोग कुछ मेन टॉपिक जो होते हैं, जिससे एक टॉपिक से बहुत सारा प्रश्न सॉल्व होगा, उस तरह का हम लोग टॉपिक कम समय में फास्टली करवाते हैं ताकि वो फिर से रिवीजन हो जाए और आपका दिमाग में आ जाए। यदि वो भूल गए हों तो वो दिमाग में आ जाए। दोस्तों, जो हमारा क्लास है ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो घर के कामकाज से फुर्सत नहीं रह पाते हैं। उनको शाम में, रात खाना उना खाने के बाद या खाना उना बन गया उसके बाद 8:30 बजे से आपकी क्लास लगेगी। 8:30 बजे मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे, व्हाट्सएप पर लिंक भेज देंगे, लिंक को टच करेंगे और वहाँ पर आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे तैयारी होगा। ना कोचिंग जाना है, ना आपको कोई अलग एक्स्ट्रा बुक खरीदना है, ना आपको एक्स्ट्रा कोई गाइड खरीदना है, कुछ नहीं। सारी तैयारी हम लोग यहाँ से करवाएंगे, बेहतरीन तैयारी। हमारी पूरी टीम आपकी तैयारी के लिए लगी हुई है, पूरी टीम। तो दोस्तों, आज से ही हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 अगस्त से नए बैच में जुड़िए, अच्छा रहेगा। शुरुआत से पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, बेहतरीन तैयारी होगी। और ये जो मौका मिला है आप लोगों को वेतनमान का, ये जरूर लीजिए। यदि फर्स्ट बार चूकते हैं फर्स्ट एग्जाम में, चूंकि आप लोगों का 3 एग्जाम, 3 बार आप एग्जाम दे सकते हैं,
फर्स्ट बार किसी तरह से फेल हो गए तो दूसरा बार दीजिए, दूसरा बार फेल हो गए तो तीसरा बार दीजिए, तीसरा बार फेल हो गए तो आपको पारा में ही रहना पड़ेगा, वेतनमान नहीं मिलेगा, ये आपका नियमावली में होने जा रहा है। तो एक एग्जाम के बाद फिर से 6 महीना देरी होगी, 6 महीना में ही आपका 50,000 का नुकसान हो जाएगा, उतना मानदेय का नुकसान हो जाएगा, वेतनमान का नुकसान हो जाएगा। तो आप ये 50,000 का नुकसान करना चाहेंगे या हमारा फी अभी 1,050 है इसे दे करके तैयारी करना चाहेंगे, ये आप खुद सोचिए। आप यदि तैयारी करके और वेतनमान लेते हैं तो आपके परिवार में, घर में खुशियों का बहार आता है, सबके चेहरे खिल जाएंगे, सब लोग आपको एक अच्छा क्या कहते हैं सम्मानजनक रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा ये इंस्टीट्यूट का कोचिंग का ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या कॉल करिए, ये आपको पूरा डिटेल में बताएंगी कि किस तरह से हमारे कोर्स में ज्वाइन करेंगे, किस तरह से आपको क्लास मिलेगा, फी कैसे जमा करना है, सारी जानकारी आपको इन सभी नंबर पर मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं कहता हूँ, जो सोचते रह जाता है या जो सोचते रहता है, सोचते सोचते उसका दिन निकल जाता है, सोचते सोचते कब समय गुजर गया पता ही नहीं चलेगा। सोचेंगे कल हम ज्वाइन करें, परसों ज्वाइन करें, मानदेय आएगा तब ज्वाइन करेंगे, तब तक बहुत सारा निकल जाएगा। देखिए आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों की स्टडी 10 साल 15 साल छूट गया है, आप उसको उठा करके नहीं देखे, रिवीजन नहीं किए, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो नॉलेज था वो भूलते गए, आपके अंदर अनुभव बढ़ते गया, जो समाज का अनुभव है, परिवार का अनुभव है, ये सब का अनुभव बढ़ते गया, लेकिन जो किताबी ज्ञान था ये किताबी ज्ञान धीरे धीरे घटते गया। तो अभी अब फिर से उस किताबी ज्ञान को हासिल करना है, जानते हैं अभी आप पढ़ने लिखने के लिए, खुद का पढ़ने लिखने के लिए छोड़ दिए, भले आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में लेकिन अपना पढ़ने लिखने के लिए छोड़ दिए। कोई भी आदत लगाने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है, आपका 21 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएगा, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लगातार आधा घंटा पढ़ पाएंगे कि नहीं, एक घंटा पढ़ पाएंगे कि नहीं, बीच में ही 10 मिनट पढ़े, कोई बच्चा उधर से पुकारा पप्पा हमको बिस्कुट चाहिए, आप को कलम कॉपी किताब बंद कर दिए, अब बेटा के साथ चले गए, तो ये परेशानियां आपको आएगा क्योंकि आप जिम्मेवार व्यक्ति बन चुके हैं, पारिवारिक व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन इस जिम्मेवारी को उठाते हुए आपको तैयारी भी करना है, ऐसा नहीं कि उस जिम्मेवारी को आप छोड़ पाएंगे, अपने परिवार को छोड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सबको साथ में लेकर चलते हुए आपको तैयारी भी करना है। यही देख करके हम रात का समय रखे हैं, आप लोग रात में सब काम करके फुर्सत हो जाइए और फुर्सत हो करके आराम से एक जगह बैठ करके मोबाइल लेके बैठ जाइए, क्लास करिए, अपने अगल बगल में कॉपी कलम रख लीजिए, जब हम लिखने कहें तो लिखिए, जब हम आपको प्रश्न दे बनाने के लिए प्रश्न बना करके कमेंट करिए, हमको रिप्लाई दीजिए, बहुत मज़ेदार तरीके से क्लास करवाएंगे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हर एक पारा शिक्षक तक भेजिए, विशेष करके महिलाओं को जो बाहर जा करके स्टडी नहीं कर पाएंगी, जो कोचिंग सेंटर नहीं जा पाएंगी, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ घर बैठे तैयारी हो जाएगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम आपकी मदद के लिए है। तो दोस्तों सभी को इसे शेयर करिए, आज ही ज्वाइन करिए, आज क्लास स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे आज की क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।